पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हो गया है। भारत अपने अब तक के सबसे बड़े दल के साथ पेरिस ओलंपिक में शिरकत कर रहा है। भारतीय दल में छत्तीसगढ़ से एक भी खिलाड़ी नहीं होने से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों में निराशा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हो चुका है। भारत देश से खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में पहुंचे हैं और अपने अपने खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ से एक भी खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ। खिलाड़ियों के हाथ केवल और केवल निराशा ही हाथ लगी। आखिर क्यों खिलाड़ियों का चयन नहीं हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक का रंगारंग आगाज के साथ ही भारतीय खिलाड़ियों का मेडल जीतने का सिलसिला जारी है। पेरिस ओलंपिक में भारत के अलग अलग राज्यों से 117 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं और भारतीय खिलाड़ियों के दल में छत्तीसगढ़ का एक भी खिलाड़ी नहीं है। छत्तीसगढ़ को बने 24 साल हो चुके हैं। इन 24 सालों में छत्तीसगढ़ से ओलंपिक के लिए एक भी खिलाड़ी तैयार नहीं हो पाया। राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर ही कुछ एक मेडल जीत पा रहे हैं और ऐसे में ओलंपिक में जाने का सपना कोसों दूर दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों में काबिलियत की कमी है, मगर उचित संसाधन और खेलों में राजनीति से प्रदेश के खिलाड़ियों का ओलंपिक में जाने का सपना केवल सपना रह गया है। मैं प्लेयरों को यही कहूंगा कि मेहनत करो, बिना स्वार्थ के करो। ठीक है, आप खेल में अगर आपको सरकार मदद नहीं कर रही है, खेल में अगर आपको समाज मदद नहीं कर रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि खेल के जुड़े हुए खिलाड़ियों की पर्सनालिटी अपने आप में एक ऐसी होती है जो सम्मान पूर्वक होता है, पहचान पूर्वक होता है, उसको एक अलग पहचान मिलता, सम्मान मिलता। नहीं, काफी दुखद विषय है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ओलंपिक में नहीं जा पा रहे हैं। पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी उस वक्त कदम बढ़ा रहे थे, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स में हो, चाहे ओलंपिक्स में, रियो ओलंपिक्स में भारतीय टीम में हॉकी टीम में प्रतिनिधित्व करना हो तो आगे। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ खेल का जो पहिया वो जो थमा, वो काफ़ी नुकसान हुआ छत्तीसगढ़ को। और अभी उम्मीद है माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में कि फिर से प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक स्तर पर खेलने जाएंगे। ओलंपिक में छत्तीसगढ़ से एक भी खिलाड़ी के नहीं होने पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा पिछली सरकार को दोषी बता रहे हैं। टंकराम वर्मा का सीधा आरोप है कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं ओलंपिक का आयोजन हुआ 2024, देश के कई राज्यों से ओलंपिक के लिए खिलाड़ी गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से एक भी नहीं गया। उसका कारण ये है कि पिछले 5 साल में जो सरकार थी उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उसके कारण हमारा कोई खिलाड़ी वहाँ पहुँच नहीं पाया। अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, नए सिरे से आने वाले समय में यहाँ से भी पहुँचेंगे। पेरिस ओलंपिक में देश भर से 117 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा से 24, पंजाब से 19, तमिलनाडु से 13, कर्नाटक से 7, उत्तर प्रदेश से 7, केरल से 6, महाराष्ट्र से 5, उत्तराखंड से 4, दिल्ली से 4, आंध्र प्रदेश से 4, तेलंगाना से 4, पश्चिम बंगाल से 3, चंडीगढ़ से 2, गुजरात से 2, उड़ीसा से 2, राजस्थान से 2, मणिपुर से 2, मध्य प्रदेश से 2, असम से 1, बिहार से 1, गोवा से 1, झारखंड से 1, सिक्किम से 1 खिलाड़ी पेरिस में अपना दमखम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खेल विशेषज्ञ की माने तो यहां खिलाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और जिससे खिलाड़ियों को वो प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है जिससे वे ओलंपिक में क्वालिफाई कर पाए। छत्तीसगढ़ से एकमात्र खिलाड़ी रेणुका यादव थी जिन्होंने महिला हॉकी खिलाड़ी के तौर पर 2016 के ओलंपिक में हिस्सा लिया था। दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ से ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं निकले, लेकिन मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ से सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी रेणुका यादव हॉकी की खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक खेला है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, राजनांदगांव की है वो। और महिला हॉकी टीम जब हमारे रियो द जेनेरियो में 2016 में गई थी उस समय उस टीम की सदस्य थी। तो एक ही उपलब्धि है हमारे पास कि छत्तीसगढ़ से एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन बाकी खेलों में अभी हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की स्थिति में नहीं है। छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों के लिए बजट में भारी भरकम राशि का प्रावधान किया गया है।
खेल विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 90 करोड़ और अनुपूरक बजट में 24 करोड़ का प्रावधान किया गया है और साथ ही अधोसंरचना के तहत केंद्र से भी राशि का प्रावधान किया गया है। कई उद्योगों ने खेल संघों को गोद लिया है। बावजूद इसके खिलाड़ी राष्ट्रीय स्पर्धा से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस खास रिपोर्ट में आपने देखा कि किस प्रकार खिलाड़ी लगातार मेहनत करते हैं ओलंपिक में जाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय खेलने के लिए, नेशनल खेलने के लिए। इसके साथ ही विशेषज्ञों को आपने सुना कि किस तरह से विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी भी जैसी अधोसंरचना से छत्तीसगढ़ को जोड़ना चाहिए वो अधोसंरचना अभी भी बाकी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम का कहना है कि उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार को घेरते बताया कि किस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार में छलावा हुआ है खिलाड़ी के साथ, जिसके चलते खिलाड़ी जो है इस बार भी ओलंपिक में नहीं जा सके। फिलहाल अलग अलग तरीके से सभी की बातें सामने आई, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए एक निराशा यही हाथ लगी है कि इस बार भी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को ओलंपिक में जाने का मौका नहीं मिला। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ नितिन नामदेव, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर।